हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के चैप्टर 5, जो कि आपका है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हैं वो अपनी ट्रिपल सी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि आप प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स समान दिखाना है तो आपको निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। आपका क्वेश्चन दिया है कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसमें सभी स्लाइड एक समान दिखाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया है द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, ऑप्शन बी दिया आपका द ऐड ए स्लाइड ऑप्शन, ऑप्शन सी दिया आपका आउटलाइन व्यू, ऑप्शन डी दिया आपका ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो आपको बताना है कि इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा उपकरण आपको स्टैंडर्ड्स प्लेस होल्डर्स का उपयोग किए बिना स्लाइड में पाठ जोड़ने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए दिया आपका टेक्स्ट टूल बार, ऑप्शन बी दिया आपका लाइन टूल, ऑप्शन सी दिया आपका ड्राइंग टूल, ऑप्शन डी दिया आपका ऑटो शेप्स टूल। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि आप स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना अगर प्रेजेंटेशन में या स्लाइड में कोई टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं तो किस से जोड़ सकते हैं, किस ऑप्शन के द्वारा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्स्ट टूल बार बॉक्स। टेक्स्ट टूल बॉक्स की मदद से आप प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड में टेबल कैसे डालें। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर आप स्लाइड में टेबल ऐड करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है इंसर्ट टेबल फ्रॉम इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी दिया आपका क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल इन कंटेंट पेन ऑफ ब्लैंक स्लाइड, ऑप्शन सी दिया आपका क्लिक ऑन टेबल मेनू, ऑप्शन डी दिया आपका टेबल्स कैन नॉट बी इंसर्ट इन स्लाइड। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसर्ट टेबल फ्रॉम इंसर्ट मेनू। आप इंसर्ट मेनू में जाके इंसर्ट टेबल ऑप्शन के द्वारा स्लाइड में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेशन की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन बी दिया आपका अल्ट प्लस F5, ऑप्शन सी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेशन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, शिफ्ट प्लस F5 किसका शॉर्टकट होता है। तो ये आपका होता है करंट स्लाइड शो का। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। करंट स्लाइड शो का अगर शॉर्टकट आपसे पूछता है तो शिफ्ट प्लस F5 होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा व्यू है जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट को ही देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी दिया आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी दिया आपका नोट्स पेज व्यू, ऑप्शन डी दिया आपका नन। आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि किस व्यू की मदद से हम अपने स्लाइड में सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आउटलाइन व्यू। आप आउटलाइन व्यू की मदद से अपने स्लाइड पे सिर्फ टेक्स्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में देता है कि सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किस व्यू का यूज करते हैं, तो आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। अगर सभी स्लाइड आपको एक साथ देखने हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। और अगर अपने स्लाइड पे आप नोट्स ऐड करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, नोट्स पेज व्यू का। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आउटलाइन व्यू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन ए दिया है फाइल, ऑप्शन बी दिया आपका व्यू, ऑप्शन सी दिया आपका एडिट, ऑप्शन डी दिया आपका विंडो। आपको बताना है इसमें से कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू की मदद से आपको फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन दोनों मिल जाते हैं। जिसको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने ट्रिपल सी की तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडिट मेनू। आप एडिट मेनू में फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में फाइंड का शॉर्टकट भी पूछ सकता है। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ, और रिप्लेस भी पूछ सकता है तो इसका होता है कंट्रोल प्लस एच। दोनों शॉर्टकट भी याद रखने हैं। और किस ऑप्शन में पाए जाते हैं, तो एडिट मेनू में। किस मेनू में पाए जाते हैं, तो एडिट मेनू में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए स्लाइड टाइमर, ऑप्शन बी रिहर्सल टाइमिंग, ऑप्शन सी स्लाइड टाइमिंग टूल्स, ऑप्शन डी स्लाइड टूल। आपको बताने हैं कि अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइम फिक्स करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं या किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिहर्सल टाइमिंग। आप इस ऑप्शन का यूज करके अपने प्रेजेंटेशन पे स्लाइड पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपका, रिहर्सल टाइमिंग ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है। तो आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंतर्गत ये ऑप्शन आपका मौजूद होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रिहर्सल टाइमिंग ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा स्लाइड शो। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। हैंड आउट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए सिक्स स्लाइड पर पेज, ऑप्शन बी थ्री स्लाइड्स पर पेज, ऑप्शन डी फाइव स्लाइड पर पेज, ऑप्शन डी टू स्लाइड्स पर पेज। आपको बताना है इसमें से कि आप हैंड आउट प्रिंट करते समय इसमें से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है या विकल्प नहीं होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइव स्लाइड पर पेज। ये ऑप्शन आपका हैंड आउट प्रिंट करते समय नहीं होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस से स्लाइड को हटाने के लिए हम डिलीट की का उपयोग करते हैं। आपको बताना है इसमें ट्रू और फॉल्स।
कि आप इम्प्रेस में अगर किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं या हट मिटाना चाहते हैं तो आप डिलीट की का प्रयोग करते हैं, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आप डिलीट ऑप्शन की मदद से स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रस्तुति डिजाइन जो स्लाइड के लिए स्वरूप फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता है आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन ए डिजाइन टेम्पलेट्स, ऑप्शन बी टेम्पलेट्स, ऑप्शन सी प्लेस होल्डर्स, ऑप्शन डी नन। आपको इसमें बताना है कि आप प्रेजेंटेशन में डिजाइन को स्लाइड के रूप में फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करते समय आमतौर पर कहा जाता है क्या कहते हैं, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेम्पलेट्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड ट्रांजिशन वेरिएंट विकल्प क्या है? ऑप्शन ए दिया है इनसाइड एंड कॉमन साइड, ऑप्शन बी दिया मोस्ट साइड एंड लेटेस्ट साइड, ऑप्शन डी सी दिया आपका आउटसाइड एंड मोस्ट साइड, ऑप्शन डी दिया आपका आउटसाइड एंड इनसाइड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन ओरिएंट विकल्प क्या है। ये आपका एक प्रकार का इफेक्ट होता है स्लाइड ट्रांजिशंस का, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आउटसाइड एंड इनसाइड। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में स्थिति और आकार के लिए शॉर्टकट कुंजी, ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F4, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी F7। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में किसी भी ऑब्जेक्ट पोजीशन की साइज को किस शॉर्टकट की मदद से बदलते हैं, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F4। F2 आपका किसके लिए होता है, तो आपका होगा टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप F2 का यूज करते हैं। F7 अगर आपका पूछेगा तो ये आपका होता है स्लाइड शो के लिए, सॉरी स्पेलिंग चेक के लिए आपका होता है F5 अगर दिया होता तो आपका होता है स्लाइड शो के लिए। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये भी सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए स्टाइल्स के साथ किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ड्राइंग पेन, ऑप्शन बी ग्राफिक्स टेबलेट्स, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है कि इसमें से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि जिसके द्वारा आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाने में स्टाइल का उपयोग किस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं या किसका उपयोग करते हैं, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफिक टेबलेट्स। आप इसकी मदद से ड्राइंग बना सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज टेक्स्ट का रंग और बॉक्स का रंग बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका बैकग्राउंड कलर, ऑप्शन बी दिया आपका टेक्स्ट कलर टूल्स, ऑप्शन सी दिया आपका ड्राइंग टूल्स, ऑप्शन डी दिया आपका कलर स्कीम। तो आपको इसमें से बताना है कि आप किसका ऑप्शन का उपयोग करके या किस विकल्प का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज टेक्स्ट का रंग और बॉक्स के रंग को बदल सकते हैं। तो जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलर स्कीम। इस ऑप्शन का यूज करके आप टेक्स्ट में इमेज टेक्स्ट का कलर और बॉक्स का रंग बदल सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड में निहित थंबनेल तस्वीरें, आपको बताना है कि स्लाइड में जो आपके निहित थंबनेल तस्वीरें होती हैं
वो आप कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए दी आपका स्लाइड पेन, ऑप्शन बी दी आपका सब स्लाइड पेन, ऑप्शन डी दी आपका विंडो पेन, ऑप्शन डी दी आपका नन। तो इसका मतलब होता है जब आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके का पेज होता है। ये आपका ऊपर मेनू बार होता, टाइटल बार होता है, फिर मेनू बार होता है, यहाँ आप स्लाइड बनाते हैं होता, और आपका यहाँ देखेंगे एक स्लाइड होता है कि आप जितने भी स्लाइड बनाते हैं यहाँ आपके छोटे छोटे व्यू दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम स्लाइड थंबनेल कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन इसको क्या कहते हैं, हम स्लाइड पेन कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइड पेन में आप जितने भी स्लाइड बनाते हैं उनके छोटे छोटे तस्वीर पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मास्टर हैंडआउट द्वारा परिभाषित किया गया है, ऑप्शन ए दी आपका स्लाइड फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी दी आपका लेआउट ऑफ स्लाइड, ऑप्शन सी दी आपका लेआउट ऑफ हैंडआउट, ऑप्शन डी दी आपका स्लाइड ट्रांजिशन। तो आपको इसमें बताना है कि स्लाइड हैंडआउट मास्टर द्वारा परिभाषित किया गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेआउट ऑफ हैंडआउट। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड में चित्र सम्मिलित करने के बाद इसे हैंडआउट मास्टर में नहीं हटाया जा सकता है, आपको इसमें बताना है ट्रू और फाल्स। आप किसी भी स्लाइड में चित्र अगर जोड़ते हैं, इंसर्ट करते हैं, इसके बाद आप हैंडआउट मास्टर में नहीं हटाया जा सकता है, तो आपको बताना है सही है या फिर गलत। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। हम इम्प्रेस प्रस्तुतकर्ता कंसोल से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आपको बताना है इसमें से कि अगर आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो कर दिए हैं तो उसे रोकने के लिए किसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका अल्ट प्लस F4, ऑप्शन बी दिया ESC, ऑप्शन सी दिया आपका कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो आपको इसमें बताना है कि आप स्लाइड शो को स्टॉप किसके द्वारा कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ESC। ये आपके कीबोर्ड में एक की होता है, इसकी मदद से आप स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हैं, स्लाइड शो से बाहर निकल सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा विकल्प आपको लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म या स्क्रिबल टूल चुनने की अनुमति देता है, ऑप्शन ए दी आपका ड्रा कस्टम पाथ, ऑप्शन बी दी आपका क्रिएट इफेक्ट, ऑप्शन सी दी आपका इंसर्ट मोशन पाथ, ऑप्शन डी दी आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रा कस्टम पाथ। इसमें आपको सेलेक्ट लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल आपको चुनने की अनुमति मिल जाती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को लागू किया जा सकता है, ऑप्शन ए करेंट स्लाइड, ऑप्शन बी सेलेक्ट स्लाइड, ऑप्शन सी ऑल स्लाइड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है इसमें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रेजेंटेशन में आप एनिमेशन स्कीम को लागू किस पर कर सकते हैं। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आप सभी पे एनिमेशन स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंतिम संपादित पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में आपके अंतिम स्लाइड पे जाना हो, एडिट स्लाइड पे, तो आप किस शॉर्टकट की मदद से जा सकते हैं। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन बी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन सी दिया आपका अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें कि
लास्ट एडिटिंग स्लाइड पर अगर आप जाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से जा सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस या फाइव। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब हम टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं तो इसे पूर्व निर्धारित विशेषताओं में स्वरूपित किया जाता है, जिसे कहते हैं ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी लेआउट, ऑप्शन सी विजुअल, ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टाइल। ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए हैं, आप भी इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से टेम्पलेट स्टाइल हटा सकते हैं? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि आप लिब्रे ऑफिस में अगर टेम्पलेट स्टाइल का यूज किए हैं तो क्या आप उसे हटा सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड शो का विकल्प किस मेनू में होता है? ऑप्शन ए स्लाइड, ऑप्शन बी स्लाइड शो, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी व्यू। आपको इसमें से बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप स्लाइड शो करना चाहते हैं तो किस मेनू की मदद से कर सकते हैं, या आपका स्लाइड शो ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत पाया जाता है। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लाइड शो। स्लाइड शो मेनू में आपको स्लाइड शो का ऑप्शन मिल जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यदि हम टेम्पलेट का उपयोग किसी दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए ऐड, ऑप्शन बी लोड, ऑप्शन सी इंस्टॉल, ऑप्शन डी इंपोर्ट। आपको बताना है इसमें से कि अगर आप टेम्पलेट का उपयोग किसी दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं, या इसमें से किसका उपयोग करेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंपोर्ट। इस ऑप्शन की मदद से आप टेम्पलेट को किसी दूसरे स्थान पर भी यूज कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर सकते हैं और क्लास की पीडीएफ पा सकते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।